Hey guys, it's Shoaib Khan and welcome to the guide number 37 of our price action series from Crypto Affairs. And uh, today we're going to have a discussion on the equal highs and lows. Now, the thing is, if you've been following me uh, since a while, so you must have like, seen my charts mentioned above, what equal highs and lows. And today detail and I'm going to teach you कि ये बस एक हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं होती इनके पीछे बहुत जो है एक बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है और इसका जो बेसिक रीजन होता है वो ये होता है ताकि हम जो अनसर्टेनिटी होती है अपने चार्ट में वो इसको हम मिनिमाइज़ कर सकें ठीक है।, है हर एनालिस्ट हर ट्रेडर जो होता है वो क्या चाह रहा होता है कि जो उसका चार्ट है उसमें अनसर्टिनिटी कम हो उसको पता हो कि मार्केट की प्राइस की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है अच्छा मेरे लिए जो इक्वल हाइज एंड लोज होते हैं ये मैं कोई ट्रेडिशनल वे में नहीं सिखा रहा ये चीज़ें बिकॉज इट दिस कैना थिंग्स हैव अ लिटिल टच ऑफ माइंड इन दैम सो फॉर मी इट वर्क्स एज अ ग्रेट कॉन्फ्लुेंस अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टफ दर आई ऑलरेडी टॉट यू यूगाज रिगार्डिंग द एफ आर बी पी रिगार्डिंग द एक्सटेंशन एंड फिबनाचीज एंड प्रोफाइलिंग एंड ऑल दैट सो ये इक्वल हाइज़ एंड लोज़ जो होते हैं ये दो तरीके से बेसिकली काम करते हैं एक जब डेवलप हो जाते हैं और एक जब वो डेवलप हो रहे होते हैं तो ये मैं आपको अभी चार्ट बताऊंगा कि इसकी क्या जो सिचुएशन होती है डेवलपमेंट की वो क्या होती है और लाइक आई सेड इट्स इज़ी टू किल द अनसर्टेनिटी तो इक्वल हाइज़ एंड लोज़ की एक और वजह है जो कि हमने पहले लेक्चर में देखी थी और सुनी थी मैंने टोल्ड यू गाइस के प्राइस uh, एक्शन जो होता है वो हॉरिजोंटल ज़्यादा चलता है नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम वी वर्क हॉरिजोंटली हम ट्रेंड लाइंस अप एंड डाउन इसमें क्रिएट नहीं करते हैं सो दैट्स हाउ एंड दैट्स वाई द इक्वल हाइज एंड लोज काफ़ी जो है इस तरीके से काम करते हैं एक चीज़ मैं पहले बहुत इसमें क्लियर कर दूँ कोई भी आपको क्या भी चीज़ बताए हमेशा एक बात याद रखें कि इक्वल हाइज़ एंड लोज जो होते हैं वो विक टू विक कन्सिडर होता है ठीक है विक टू बॉडी या बॉडी टू विक कंसिडर नहीं होता ना बॉडी टू बॉडी कंसिडर होते हैं दे आर ऑलवेज कंसिडर्ड इन विक टू विक्स ठीक है चलें लेट्स कर स्टार्ट ऑन अवर लाइफ चार्ट एंड लेट्स सी के इक्वल हाइज एंड लोस की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है फॉर सपोज़ uh, हम प्राइस सेक्शन की इधर बात कर लेते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर जो है चेंज होते हुए देखते हैं प्राइस का ठीक है लेट से इस टाइम पे बिटकॉइन की थ्री आवर का चार्ट मैंने खोला हुआ है एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई ठीक है बिटकॉइन ने यहाँ से एक फॉल लिया एंड उसके बाद जो है प्राइस अफर्ड मूव हुई अब सिंपल एक रूल ये है कि नोट डाउन के प्राइस एक्शन में हमें जो प्राइस रिविजिट होने का जो सिचुएशन होती है वो ज़रूरी होती है कि एक अगर बहुत एलिमेंट ऐसा आया है कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ एंड देन प्राइस बाउंस फ्रॉम इट तो देर इज़ अ हाई चांस कि प्राइस इस जोन को जो है ना वो रीटच करने ज़रूर आएगी ठीक है यहाँ से वॉलीटिलिटी जो है वो ग्रैप ज़रूर करेगी और लिक्विडिटी जो है वो ज़रूर ग्रैप करेगी और वॉलीटिलिटी जो है प्रोवाइड करेगी या सेम लाइक के प्राइस बहुत एब्रप्टली ऊपर जाती है एंड देन वो अचानक से नीचे आना शुरू होती है तो देर इज़ एट थिंक कि इसने कहीं ना कहीं जाके इसको प्ले आउट ज़रूर करना है तो ये टाइम फ्रेम में जो है बाउंड नहीं होता लेकिन मैं इसको बाय मिनिमम जो है एल uh, टी में मैं थर्टी मिनट से नीचे इसको कंसिडर नहीं करता मैं डेली पे इसको नहीं देखता हूँ मैं यूजुअली इसको फोर आवर पे फोर आवर पे थ्री uh, आवर पे टू आवर्स पे वन आवर पे एंड थर्टी मिनट्स पे जो है मैं इसको देखता हूँ इक्वल हाइज एंड लोज़ को अच्छा फॉर दैट सिंपली विल गो न टच के प्राइस हमारे नीचे आना शुरू हुई uh, जो लोएस इसका पॉइंट था हम इसको इधर यहाँ मार्क कर लेते हैं एंड देन प्राइस वैन मूव लाइक मूविंग अप इसको मैं कह देता हूँ इक्वल लोज है मेरा एंड देन हुआ क्या स्ट्रक्चर के प्राइस ने यहाँ से एक बाउंस लिया अब यहाँ पे मैं इधर एक लाइन एक मेंशन कर देता हूँ इस जगह पे एंड एक लाइन में यहाँ मेंशन कर देता हूँ अराउंड हेयर ठीक है नाउ ये जो है मेरी डेवलपिंग ए क्यू हाई है मींस कि अभी एक पॉइंट बना है अभी दोबारा जो है बना नहीं है सेम फॉर दैट इसको भी जो है मैं अपना डिवलपिंग एक क्यू भाई का नाम दे देता हूँ यहाँ पे अभी हम खड़े हैं ठीक है नाउ प्राइस रेंज में आपके चलती हुई जा रही अब आपकी अनसर्टिनिटी जो है ना इस रेंज में कम हो गई नाउ यू नो कि ऊपर क्या जगह है नीचे क्या जगह है नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन यूर अदर कॉन्फ्रेंसेज के ठीक है यहाँ पे गैप आ गया राइट प्राइस यहाँ पे आती है इसको दोबारा यहाँ पे टैप करते हैं यहाँ से आपका लॉन्ग था ठीक है जी परफेक्टली देख लें विक टू विक की बात चल रही है राइट नाव ये आपका कंप्लीट हो गया इक्वल लो उसके बाद प्राइस दोबारा रेंज बाउंड हुई एक छोटी सी एल में जो है एक और इसने यहाँ पर रेंज बना ली इक्वल हाई की ठीक है जी ये देखें ये वाली ये आप जब उसको जाके देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में तो आपको ये यहाँ पे जो है ये दिख जाएगी विद इन थर्टी मिनट्स के चार्ट पे मतलब तो ये किसने और रेंज बना ली यहाँ से ये टैप हुआ इट केम बैक डाउन अब आपने जो दूसरे कॉन्फ्लुस इस पर अपनी आ, बेसिकली मेंशन करनी है लाइक आप इस पर फिबनाची जो है ज़ीरो वन वाला जो है ड्रॉ करते हैं यू कैन सी हेयर कि ये आपका हाई या आपका लो ठीक है एंड नाउ ये जीरो पॉइंट फाइव टैप हुआ एंड देन इट मूव्स अपवर्ड वट जो भी आपकी सिचुएशन है नाउ द थिंग इज़ दैट ये दोबारा इसने ऊपर गया नाउ इसने इधर विक पे जब इस वाली कैंडल स्टिक की मैं बात कर रहा हूँ यू कैन सी हाउ इट गॉट रिजेक्टेड जब इसने यहाँ पे इसको टैप कर लिया तो ये मेरा इक्वल हाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ठीक है जी हम कहना मार्केट एज इक्वल हाई और नाउ इधर आप ये देखेंगे कि कैंडल स्टिक पूरी जो है ना एक इसके ऊपर क्लोज हुई नहीं है इट्स स्टिल गोइंग डाउन थ्री आवर के चार्ट में इट्स स्टिल कमिंग बैक डाउन मैं रेंज वही वाली कंसिडर कर रहा हूँ जिस रेंज पर मैंने इसको मार्क किया है ठीक है नाव इट्स स्टिल कमिंग बैक डाउन ये वाली इक्वल हाई एक तरीके से ये ये यहाँ से यहाँ तक की थी ठीक है ये टैप हो चुकी है इसने अपना जीरो पॉइंट फाइव दिखा दिया हम कहना रिमूव इट ना ये एक अगर इसके ऊपर कैंडल बना लेती है यहाँ पे इफ इफ इट मूव्स लाइक दैट इफ़ इट मूव्स लाइक दैट तो ये जो है इसकी फुलफिलमेंट जो है पूरी हो जाएगी आई हम नोन रिमूव इट बट सिंस इसने कैंडल स्टिक नहीं बनाई है देन मोस्ट लाइकली ये है कि जो इसके नीचे के कॉन्फ्लेंसेज हैं हमारे आ, ये जैसा कि बैलेंस आ रहा है और एफ आर वी पी भी अगर हम देखेंगे इधर ये मेरा बॉटम है ये मेरा टॉप है यू कैन सी एन पी ओ सी वगैरह ये यहाँ पर आ रही है तो अनटिल इट टचिज़ दैट तो हमारी जो है इन प्ले अच्छा डेवलपिंग एक हाई जो हमारी अपर रेंज जो है वो अभी टैप नहीं हुई है सो ये ये मैगनेट की तरह काम करती है लाइक like प्राइस नीचे आपकी पूरी तरह जो मतलब ये कि इसके अगेंस्ट पे लिक्विडिटी वगैरह ग्रैप करती है एंड देन इट मूव्स अपवर्ड फर्ड वो उसकी तरफ जाएगी इट्स काइंड ऑफ लाइक अ वीक मैग्नेट लेकिन ये मैग्नेट की तरह जो है प्राइस काम करती है तो ये इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज जो होते हैं आपके बड़े काम के हैं अगेन आप इसको विक टू विक हमेशा कंसिडर करेंगे क्योंकि अगर बॉडी टू विक अगर कंसीडर हो रहा है तो ये आपका एस है या विक टू बॉडी अगर कंसीडर हो रहा है अगर बोथ बॉडी टू बॉडी है बॉटम है तो ये आपका डबल बॉटम हो गया टॉप है तो ये आपका डबल टॉप हो गया दैट्स वाई इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज में हमेशा हम विक टू विक कंसिडर करते हैं और ये बहुत बारीक चीज़ें होती हैं जो कि आपको एज देती हैं अगर आपको डिफरेंस पता हो कि किस तरीके से मार्केट ने काम करना है किस तरीके से स्ट्रक्चर आपका क्रिएट हो रहा है एंड वंस वी गेट टूअर्ड्स अदर लिक्विडिटी जोन्स जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे दैन विल अंडरस्टैंड कि प्राइस जो है वो एक्ट किस तरीके से करी है वो मूव किस तरीके से करी है सो दैट्स द बेसिक स्टफ़ कि हमें पहली चीज़ हमने प्राइस को ब्रैकेट करना है हमने उस पर अनसर्टिनिटी जो है वो कम करनी है ठीक है दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग और हम जो है उसको एक तरीके से डिमांड और सप्लाई के ऊपर नीचे जो है हम उसमें फाइंड करते हैं कि इक्वल हाइज एंड इक्वल लोस कहाँ पर बन रहे हैं एंड दैन वंस वी मार्केट दैन उसके बाद जो है हम उसकी रेंज में फिर हम प्ले करना शुरू करते हैं कि हाओ इट्स टर्निंग आउट एंड हाउ इट्स गा प्ले आउट तो इफ़ यू हैव एनी क्वीरी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन इन दैट ये टॉपिक बहुत अभी सिंपल है वंस मैं अभी इसको जब दूसरे लेक्चर्स की तरफ हम हम जाएंगे दैन विल गोना टच द एडवांसमेंट्स ऑफ इट के जब टच होता है तो पर कंसिडर कैसे किया जाए कि ये यहाँ से गिरेगा या चढ़ेगा कैसे किसकी सिचुएशन होती है तो विल बी टचिंग दैट टॉपिक ऑफ कोर्स इन अवर कमिंग लेक्चर्स बट दिस इज द बेसिक दिस इज़ वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्राइस एक्शन जब आप इसमें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जब आप उसको देख रहे होते हैं सो इफ़ यू आर वेरी मच आई लाइक कन्फ्यूजन इन दैट डू आस्क मी इन द कामेंट्स और इन माई डिस्कॉर्ड एंड आई एम गुना गिव यू द डिटेल्स एंड इन साइड्स ऑफ इट और राइट सो थैंक यू सो मच ए शेफ आन साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस लेक्चर विल गुना हैव अ डिस्कशन सून इन अवर कमिंग लैक्चर्स थैंक यू